अब हमने इसका फोर्थ पार्ट देखिए, जिसमें अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 3a माइनस 1 बाय 2 इंटू 3a माइनस 1 बाय 2, मतलब अगेन 3a माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है यहाँ पे 3a और b क्या है 1 बाय 2, तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, और 1 बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो न्यूमिनेटर का भी करना है डिनोमिनेटर का भी, मतलब 1 बाय 4। और जब 2 इंटू 3a इंटू 1 बाय 2 किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2 और 2 कट गए तो हमारे पास आ गया 3a माइनस 3a। ठीक है, जब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है उसमें हमारी थर्ड टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर। अब देखो इसका एथ पार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है, माइनस a प्लस c इंटू माइनस ए प्लस सी। हमने दो आइडेंटिटीज करी, हमने दोनों में से किसी में भी नहीं देखा कि पहले माइनस आया हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमने जो दो पढ़ी हैं उसमें से कोई एप्लीकेबल हो सकती है। देखो बच्चे, बीच में प्लस है दोनों तरफ ही, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना इंटीजर्स पे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में कर ली, मतलब सी पॉजिटिव है। माइनस ए प्लस सी को सी माइनस ए लिख सकती हूँ ना, वहां पर भी सी माइनस ए लिख लिया। तो अब हमने देखा हमारी तो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोबारा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, जिसका रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा यहां पर c है और b हमारा a है, तो मतलब c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca। क्लियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिनको आता होगा उसको तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, जिनको थोड़ा सा भी कल का समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो इसका टेंथ पार्ट, 7a माइनस 9b। 7a माइनस 9b का मतलब क्या हो गया, अगेन 7a माइनस 9b से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इसमें a होगी, सेकंड टर्म इसमें b होगी, बीच में दोनों तरफ माइनस के साइन है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है, 7a, मतलब 7a का होल स्क्वायर 49a स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर, मतलब 81b का होल स्क्वायर 81b स्क्वायर माइनस, हमने मल्टीप्लाई किया जब 7 को 2 के साथ 14 इंटू 9 126। ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो फर्स्ट पार्ट ही हमें दिख रहा है, बी माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या हमारा b और b क्या हमारा 7, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 14b। ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारा a इसमें ये पूरा है 6x स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर जो है ये हमारा पूरा का पूरा a है, क्योंकि जो स्क्वायर है सिर्फ x के ऊपर है। ठीक है, और b क्या है हमारा 5y। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोबारा a स्क्वायर मतलब 6x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू 5y। तो 6 इंटू 6 36, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 होगी, प्लस 5 इंटू 5 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 6 जा 60 x स्क्वायर y। क्लियर, तो ये बन गया हमारा 36x की पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। क्लियर, अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, सिंपल है और सिर्फ क्या है, डेसिमल में है, पहले भी किए हैं हमने, 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाली टर्म हमारी a है, सेकेंड वाली टर्म हमारी b है, तो बीच में माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.4
0.16 क्योंकि 4 4 16 और जब 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो 2 के बाद डेसिमल लगाओगे, प्लस जब 5 इंटू 5 करोगे 25 और 2 के बाद डेसिमल हुआ तो 0.25 माइनस 4 5 20 और 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है P और Q तो आ गया 40PQ। गॉट इट बेटा, सारे पार्ट सेम है मैं फिर भी करवाई जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं एक दो पार्ट भी होमवर्क में दे दूंगी ना आपको खुद करने के लिए तो बाकी तो सब कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनका मन नहीं करता करने के लिए, वो सोचते जितना मैम ने करवाया उतना ही करवाएं, ठीक है? और फिर मेरी भी एक बार जब आप समझाओगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने खुद करवाए हैं, तो एटलीस्ट अब आप तो समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ब्रैकेट में और होल स्क्वेयर। जब भी हमारे पास किसी टर्म के ऊपर होल स्क्वेयर आ जाए बीच में प्लस या माइनस के साइन के साथ, वो हमारी बाइनोमियल बन जाती है, और बाइनोमियल के स्क्वेयर के हमारे पास दोनों के फॉर्मूलाज हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। इसमें माइनस का साइन है, फर्स्ट वाली टर्म हमारी पूरी ए बन गई और सेकेंड वाली टर्म हमारी पूरी बी बन गई, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर मतलब फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड वाली टर्म का स्क्वेयर, सॉरी फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड वाली टर्म का स्क्वेयर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है? जब ए स्क्वेयर को स्क्वेयर के साथ किया तो देखो ब्रैकेट है, दो पावर्स के बीच में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की पावर 4 प्लस बी 2 इंटू 2 टाइम्स बी की पावर 4 माइनस 2 को ए के स्क्वेयर के साथ भी किया और बी स्क्वेयर के साथ भी किया तो बन गया 2a² b² क्लियर? अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसिकली इसकी हेडिंग क्या है, सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई है ना, तो सिंप्लीफाई में मैंने आपको बताया कि हम जो बीच में हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी, जो भी है हम वो लगाए जाएंगे लेकिन उसमें लिखेंगे नहीं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आइडेंटिटी लग रही है तो मैंने लिख लिया, ठीक है? अगर नहीं भी लिखती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां लिखना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, ए और बी इंडिकेट कर लोगे तो फिर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन सेकेंड पार्ट में अब देखो 2 टाइम्स आइडेंटिटी लग रही है, पहले 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब बीच में माइनस का साइन हो गया तो हमारे पास दो बारी आइडेंटिटीज लग रही है सेम टर्म पे, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। पहले हमने एक पे आइडेंटिटी लगाई, उसको ब्रैकेट में रख लिया, 2x होल स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर मतलब 25, प्लस पहले वाली प्लस की टर्म है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है, बीच में माइनस डाल दिया, अलग अलग ब्रैकेट में रख लो इनको, ठीक है? क्योंकि सिंप्लीफाई करना है हमने। फिर यहां पर आइडेंटिटी लगाई अगर तो ये बन गया 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 माइनस 20x। फिर हमने ब्रैकेट्स खोलने के लिए फर्स्ट टर्म की तो एज इट इज लिख देते हैं, जब माइनस के साथ ब्रैकेट खोली तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए, जब साइन चेंज हो गए तो क्या बन गया, 4x स्क्वायर हमने देखा और उधर माइनस 4x स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 25 और नेगेटिव 25 कैंसिल हो गया, और प्लस 20x और प्लस 20x हमारा बन गया 40x क्योंकि वो दोनों प्लस हो गए, ठीक है? गॉट इट?